नमस्कार, न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। बिनी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने किया कुछ ही घंटों में गिरफ्तार, 8 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। गिरिडीह सांसद और विधायक सुदीप्य कुमार सोनू ने किया कई महत्वपूर्ण सड़कों व भवनों का शिलान्यास। पर्व त्योहार को देखते हुए नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने फ्लैग मार्च निकाल कर किया लोगों से शांति से पर्व मनाने की अपील। और CCL कोलियरी में CDO दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जल्द ही CDO दिलाने और बंद माइंस को चालू कराने की मांग। अब खबरें विस्तार से। बिरनी थाना के प्लस टू विद्यालय के पास नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह बिरनी थाना के प्लस टू विद्यालय पोलंजिया के पास नाबालिग लड़की को उठाकर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में बिरनी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। SDPO नौसाद आलम के नेतृत्व में गठित टीम ने घटना के कुछ घंटों में ही सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर गिरिडीह के बिरनी थाना में शुक्रवार को सरिया बगौदर SDPO नौसाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को घटना की विस्तृत जानकारी दी है। वही गिरफ्तार सभी आरोपियों को पुलिस गिरिडीह जेल भेज दी है। बिरनी थाना अंतर्गत दिनांक 13/9/2022 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि प्लस टू हाई स्कूल पलौंजिया से दो लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद उनमें से एक लड़की के साथ दुष्कर्म होने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में घटना के मैच 48 घंटे के अंतर्गत इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें मुख्य रूप से जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ गाड़ी में जो चालक था उसकी गिरफ्तारी हुई है, और इस जो दुष्कर्म किया है व्यक्ति उसको बचाने में उसके दोस्तों ने मदद किया था जिन्होंने उसको छुपा के रखा था उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही जो लड़कियां हैं और जो अभियुक्तगण हैं उनके स्वीकारोक्ति बयान में एक बात प्रकाश में आई थी कि लड़कियों को लेकर सरिया थाना अंतर्गत चंद्रमानी के जंगल में जाकर दुष्कर्म किया गया था। उस क्रम में वहाँ के कुछ लोगों ने देखा था, देखने के बाद वो भी लड़कियों के साथ गलत करने के इरादे से कुछ करना चाहते थे, नहीं तो उसके वजह में उन्होंने 1 लाख रुपए की मांग की गई किया था। इस संबंध में ये लोग वहाँ से आगे गुड़ीटाँड वाले रोड में लेके गए, वहाँ पे क्योंकि लोगों का आवागमन ज़्यादा था इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए और लड़कियों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है, इस बात की पुष्टि हुई है। इस कांड में अभी तक के जांच में जो भी तथ्य आए हैं उसके आलोक में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है जेल। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और सदर विधायक सुदीप्य कुमार सोनू ने पीर टांड के विभिन्न पंचायतों और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में भवनों के जीवनोद्धार हेतु कायकल्प को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और सदर विधायक सुदीप्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को पीरटांड प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सड़क निर्माण, चेता डी स्थित MCH में शिशु वार्ड का निर्माण और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में भवनों का कायकल्प को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। पीरटांड प्रखंड अंतर्गत मधुबन बांध और हल्लाडी पंचायतों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के मद से कुल 12 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिसके बाद चेता डी मैटरनिटी हॉस्पिटल में डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक अर्ली इंटरवेंशन सेक्टर का शिलान्यास किया गया। वहां के बाद गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में कॉलेज भवन के जीर्णोद्धार हेतु शिलान्यास किया गया। तीनों स्थानों पर पूजा पाठ के बाद श्रीफल फोड़कर शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस बाबत सांसद श्री चौधरी ने कहा कि पीरटांड प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में सड़कों के निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया। आने वाले वर्षों में और जहां भी सड़कों की कमियां हैं उसको चिन्हित कर नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गिरिडीह कॉलेज में भवनों का कायकल्प कर कॉलेज की जो पुरानी पहचान है उसे प्रदान किया जाएगा। विधायक श्री सोनू ने कहा कि विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। उच्च शिक्षा नीति को लेकर गिरिडीह कॉलेज के भवनों का कायकल्प 1 साल के अंतर्गत पूरा कर लिया जाएगा।
साथ ही यहां के विद्यार्थियों द्वारा आधारभूत संरचना को लेकर जो बातें कही गई है उसे भी एक साल के अंतर्गत पूरा करने का प्रयास रहेगा। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष तथा 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, अजीत सिंह पप्पू, आनंद मिश्रा, संजीव सिन्हा, गौरव कुमार, रॉकी सिंह, सुमित कुमार, प्रदोष कुमार, अभय सिंह, सहनवाज अंसारी, विनोद रजक, वीरेंद्र राम, संदीप तरवे, संवेदक सुरेंद्र नारायण देव, रंजन सिंह, कॉलेज के बलंदू शेखर त्रिपाठी, डॉक्टर एम एन सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी समेत झामुमो व आदसू के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिम्मेवारी है, भवन की कमी है, माननीय विधायक जी ने भी कहा कि जो भवन का कमी है उसको हम लोग दूर करेंगे। कायाकल्प के लिए भी 14 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं और आने वाले समय में यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए हैं। अभी आप लोगों के बीच में, आप लोग कृष्णा में भी देखेंगे, एकलव्य विद्यालय काफ़ी बड़ा विद्यालय बना है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग यहाँ के बच्चों को दूसरे जगह नहीं जाना पड़े, शिक्षा यहीं ग्रहण करें, टेक्निकल शिक्षा भी यहीं मिले और बाकी शिक्षा इन लोगों को मिले। जो कमियाँ हैं, जो आप लोग आवेदन दिए, एक सब्जेक्ट की पीजी की पढ़ाई अभी नहीं हो पा रही है, हम लोग प्रयास करेंगे कि वो अभी पढ़ाई यहाँ पर हो। बाकी आप लोगों का जो सुझाव मिला है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, माननीय विधायक जी हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को पढ़ाई लिखाई की सारी सुविधाएँ मिले। सबको धन्यवाद। वो तमाम बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं मेरे साथ चल कर आए, दोनों ही संगठन जामु और आजसू के तमाम साथी, थोड़ा सा दूर से लो ना, हम इससे बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं है और इस शिक्षण संस्थान से निकले हुए लोगों ने अपने कॉलेज का, गिरिडीह का नाम रोशन किया है। मेरी बड़ी दिली इच्छा इस बात की रहती है कि गिरिडीह कॉलेज आज जिस मुकाम पर खड़ा है, इस मुकाम से और कोई बेहतर मुकाम गिरिडीह कॉलेज को हासिल हो कि हम लोग भी इस बात का गर्व कर सकें कि हमारे जिला मुख्यालय का जो कॉलेज है वो चाहे सुविधाओं के सवाल की बात हो, चाहे शिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों की बात हो। मैं सिलसिले में आता हूँ, थोड़ा सा दो मिनट समय सर ज़्यादा लेंगे। जैसे बुनियादी सुविधाओं में जिन बातों का सवाल था, पानी या शौचालय, आज ये जो दिन जिस पर हम लोग यहाँ बैठे हैं और आज राज्य सरकार ने इस कॉलेज के कायाकल्प के लिए जो राशि प्रदान की है, निश्चित रूप से पर्दे के पीछे के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। आपने शिलापट्ट में गौर करके देखा होगा, एक नाम नीचे भी लिखा हुआ है, वो नाम के खंडेलवाल का है जो इसी कॉलेज के प्रोडक्ट और HRD के सेक्रेटरी के पोस्ट से 31 जुलाई को रिटायर किए हैं। मैंने पत्र लिखा था लेकिन स्वीकृति देने वाली कलम के खंडेलवाल की, इसलिए आज उनको सम्मान देते हुए बोर्ड में उनका नाम हम लोगों ने किया और ये आपके लिए गौरव और सम्मान की बात है कि के खंडेलवाल जैसा सीनियर IAS इसी गिरिडीह कॉलेज का प्रोडक्ट रहा। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कॉलेज के विद्यार्थियों की एक बड़ी परंपरा है और जो जिस कॉलेज से पढ़ के निकलता है उसको अपने कॉलेज से जरूर लगाव होता है, चाहे वो धरती के किसी कोने में, वो कहीं नौकरी कर रहा होगा उसके मन में हमेशा होगा कि जिस कॉलेज से हमने शिक्षा ग्रहण की है उस कॉलेज का हाल क्या है। तो सबसे पहली बात में कि आधारभूत संरचनाओं का जहाँ तक सवाल है वो आने वाले 2 वर्षों के अंदर में यहाँ पर आपके पास सवाल नहीं होंगे। यह राशि अभी आई है 4.5 करोड़ की, इसके पीछे आपको 14.5 करोड़ की राशि और आने जा रही है जिसमें आपके तमाम साइंस और आर्ट्स ब्लॉक या जितना भी सारा रेनोवेशन होगा। BEd के क्लास की चर्चा आई, हम निश्चित रूप से अभी नए सेक्रेटरी के तौर पर राहुल पुरवार साहब ने योगदान किया है। मैं गया था उनके पास, संथाली के कुछ बच्चे मेरे पास आए थे जिसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उस सिलसिले में राहुल पुरवार के पास मैं गया था। जो कमियां हैं उसको दूर करने का भी शिलान्यास हुआ, आने वाले समय में गिरिडीह कॉलेज को भी जो इसका पुराना पहचान है उसको हम लोग फिर से स्थापित करेंगे। साथ विभिन्न योजनाओं को हम लोगों ने शिलान्यास किया, पीरटाण से लेकर, चैताड़ी से लेकर गिरिडीह कॉलेज तक हम लोगों ने कई एक योजनाओं का शिलान्यास किया।
एमसीएच चैताडी में बच्चों के लिए एक वार्ड का शिलान्यास हुआ और गिरिडीह कॉलेज में भी शिलान्यास हम लोगों ने किया। उच्च शिक्षा के मामले में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अंतर्दृष्टि बहुत स्पष्ट है। वह यह मानते हैं कि हमारे जो सरकारी शिक्षा संस्थान हैं इनको मजबूत होना चाहिए और इनमें आधारभूत संरचनाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी कड़ी में यह काम चल रहा है और मुझको उम्मीद है कि साल भर के अंदर गिरिडीह कॉलेज का कायाकल्प हो चुका होगा और जिन आधारभूत संरचनाओं और बाकी बातों की बात यहाँ के छात्रों और बच्चों ने की है, हमें लगता है कि 7 साल के अंदर इन तमाम चीज़ों का समाधान हो जाएगा। माले और आम आदमी पार्टी ने 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण बिल का झारखंड कैबिनेट में पास होने पर स्वागत किया। झारखंड सरकार कैबिनेट वाली पास बिल को विधानसभा में शीघ्र पारित करे और विभिन्न विभागों में खाली पदों पर जल्द से जल्द बहाली निकाल कर झारखंड की जनता को इसका लाभ मिले उस पर काम करे। इधर भाकपा माले राज्य सचिव मनोज भगत और विधायक विनोद सिंह ने झारखंड राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा 1932 आधारित स्थानीय नीति एवं ओबीसी को 27% आरक्षण के विस्तार से संबंधित विधायकों के प्रस्ताव पर सहमति का स्वागत किया है। भाकपा माले का मानना है कि 1932 आधारित स्थानीयता कानून एवं आरक्षण के विस्तार का कानून झारखंड की जन आकांक्षा के अनुरूप है। कहा कि जल्द से जल्द इन कानूनों को राज्य सरकार विधानसभा से भी पास कराने का काम करे। माले नेता गिरिडीह प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट से जो बिल पास की वह स्वागत योग्य है। अब झारखंड के युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण बिल का झारखंड कैबिनेट में पास होने पर स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि यह काम 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ था उसी वक्त हो जाना चाहिए था। झारखंड की जनता का वर्षों से यह मांग थी, लेकिन आखिरकार राज्य सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मंजूरी कैबिनेट से पास कराने का काम की। श्री शर्मा ने कहा कि चुनाव के समय जनता से जो भी वादे राजनीतिक दल करते हैं वो पूरा होने चाहिए। झारखंड अलग राज्य होने के बाद से ही झारखंड के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में झारखंड की स्थानीयता, स्थानीय लोगों की बहाली हो, और स्थानीयता का मतलब झारखंड के मूल वासियों से है, ये लगातार चल रहा था। लेकिन रघुवर दास की सरकार ने जो 1985 की नीति लागू की थी उसे झारखंड के लोग छलावा महसूस कर रहे थे, इसलिए रघुवर सरकार को लोगों ने विदा किया और कल हेमंत सोरेन जी की कैबिनेट ने इसे एक विधेयक के रूप में स्थानीयता को लेकर के और आरक्षण को लेकर के उन्होंने पेश किया है। तो मैं सबसे पहले तो तत्काल यही कहूँगा कि सरकार ने जो विधेयक का प्रारूप रखा है उसके राज्य विधानसभा का सत्र बुला करके उसे तत्काल पारित करें। और भारतीय जनता पार्टी से हम ये कहेंगे कि चूंकि लगातार ये मसले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट न्यायालय के चलते रहते हैं और इसलिए सरकार ने इससे 9वीं अनुसूची के तहत रखने का अनुरोध किया है। और पिछले दिनों मधुबन में इनका चल रहा था प्रशिक्षण शिविर, तो इन्होंने पीछे बैकग्राउंड में रखा था कि 1932 का खतियान लागू हो, तो ये अगर ढकोसला नहीं था, इसके प्रति जरा सा भी ईमानदारी है तो ये रास्ता प्रशस्त करें ताकि वो प्रक्रिया भी पूर्ण हो और ये जल्द से जल्द जो है लागू हो। सरकार से हमारी यही मांग होगी कि झारखंड के लोगों को जो उत्साह सड़कों में दिख रहा है कि खतियान आधारित जो स्थानीयता की नीति सरकार ने रखा है प्रस्ताव, वह प्रारूप जो है जल्द ही पारित हो और व्यवहार में वो लागू हो। बहुत दिन से जो रुका हुआ मामला था 1932 का जो खतियान का, वो पूरा हुआ। हम धन्यवाद देते हैं पूरे झारखंड वासियों को और झारखंड सरकार को भी, जल्द से जल्द इसे विधानसभा में भी पारित किया जाए। साथ ही साथ जो 27% जो आरक्षण दिया गया है, तमाम जो छात्र को बेनिफिट होगा, यहाँ के लोगों को बेनिफिट होगा। हम एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देते हैं और इस मुहिम में जो भी लोग शामिल हुए हैं और इसमें बहुत सारे आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आज झारखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है।
आज के दिन एक लंबी लड़ाई के बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति झारखंड की सरकार के कैबिनेट ने पास किया है। साथ ही 27% आरक्षण भी पिछड़े वर्ग के लिए कैबिनेट में पास किया गया है, तो हम सरकार को इसके लिए बधाई देते हैं। और इस आंदोलन में जो भी लोग शामिल रहे, तमाम झारखंडी जन भावना इस लड़ाई के साथ थी और वो लोग 1932 के खतियान आधारित नीति चाह रहे थे। अब इसके साथ ही झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो झारखंड के लोग हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, उनके लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों का रास्ता साफ होगा। और साथ ही साथ जो भाजपा ने झारखंड विरोधी भावना का परिचय देते हुए 1985 कटआउट के साथ जो नीति लाई थी उसको खारिज किया जाएगा। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं और तमाम झारखंड वासियों को हम इसकी बधाई देते हैं। साथ ही हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि जब ये कैबिनेट में पास हो गया है तो जितना जल्द हो सके इसको विधानसभा में भी इसको पारित करवा करके और इसको अमल में लाया जाए, ताकि झारखंड के युवाओं को और झारखंडी भावनाओं को सम्मान मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सरकार के द्वारा कल कैबिनेट में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का बिल पास किया गया है। आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करती है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, उसी वक्त यह स्थानीय नीति बन जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं बन पाया था। झारखंड सरकार ने यहाँ पर जो जन भावनाओं का सम्मान किया है, बहुत दिनों से यह लोगों की मांग थी, नौजवानों का, झारखंड के नौजवानों का मांग था कि झारखंड में स्थानीय नीति बने, उसके बाद बहाली हो यहाँ पर। तो अब स्थानीय नीति सरकार ने कैबिनेट में बिल पास किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द विधानसभा में भी यह बिल पारित करवा लिया जाए और जितना जल्दी हो सके जो झारखंड के विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली हैं उनकी वैकेंसियां निकाली जाए और झारखंड के नौजवानों को उसका लाभ दिया जाए। आगामी आने वाले पर्व त्योहार को देखते हुए नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से शांति व सौहार्द माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। आगामी आने वाले पर्व त्योहार को देखते हुए नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बड़ा चौक से शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी के अलावा कई जवान फ्लैग मार्च में शामिल थे। फ्लैग मार्च की शुरुआत बड़ा चौक से की गई, जो शहर के पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, मगतपुर चौक, सदर अस्पताल गेट के सामने टावर चौक तक किया गया। इस दौरान दुकानदारों और ठेला खोमचा वाले के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस बाबत नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी ने बताया कि आगामी पर्व दुर्गा पूजा को लेकर शहरी क्षेत्र में काफी भीड़ भाड़ होती है, ऐसे में सड़क किनारे अतिक्रमण होने से राहगीरों को आवागमन करने में काफी असुविधा होती है, साथ ही जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसी को देखते हुए फ्लैग मार्च के साथ साथ अतिक्रमण किए गए स्थानों को खाली कराया गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से ठेला व अन्य दुकान सड़क के किनारे ना लगाए। उन्होंने आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को मदद करने की बात कही। आगामी पर्व त्योहार एवं विधि व्यवस्था क्षेत्र में बनी रहे, इसको लेकर आज बड़ा चौक से लेकर पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, मगतपुर चौक, अस्पताल के सामने टावर चौक आदि क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया एवं जो अतिक्रमण करके रखे हुए हैं उनका अतिक्रमण हटाया गया। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम अपील करते हैं कि भीड़ भाड़ को देखते हुए आप लोग अनावश्यक रूप से सड़क पर अपने सामानों को न लगाएँ, अपने ठेला को न लगाएँ और शांति व्यवस्था कायम रखने में प्रशासन को मदद करें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द दौड़ते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नता प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीट इट आउट जोन,
जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहां के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगरपुर सवेरा रोड, ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी ग्रीडी। ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी ग्रीडी। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक टॉप, नाइटी, गरारा सरारा, लहंगा चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बर्नवाल सेवा समिति का दिव्य वार्षिक चुनाव गुरुवार की देर रात बर्नवाल सेवा सदन में संपन्न हो गया। चुनाव पदाधिकारी और पर्यवेक्षक के देखरेख में चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण से संपन्न किया गया। गिरिडीह बर्नवाल सेवा समिति का दिव्यवार्षिक चुनाव गुरुवार की देर रात बर्नवाल सेवा सदन में संपन्न हो गया। समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र से आने वाले स्वजाति बंधुओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया।
खासकर युवा वर्गों में काफी उत्साह देखा गया। चुनाव पदाधिकारी इंद्रजीत लाल सीताराम बनवाल और पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार बनवाल की देखरेख में चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न किया गया। अध्यक्ष लखन लाल बनवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनूप बनवाल को 72 मतों से, सचिव राजेंद्र लाल बनवाल ने सीए प्रवीण कुमार को 23 मतों से और कोषा अध्यक्ष पद पर संजय कुमार बनवाल ने सीए ब्रह्मदेव प्रसाद को 31 मतों से कड़ी टक्कर देकर विजयी घोषित हुए। अध्यक्ष लखन लाल बनवाल ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले मतदाताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि बनवाल सेवा समिति के नव गठित टीम के सहयोग से बनवाल सेवा सदन ने अधूरे कार्य को पूर्ण किया जाएगा और साथ ही सामाजिक कुरीतियों और दूरियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव को सफल बनाने में सुबोध कुमार बनवाल, प्रवीण बनवाल, पिंटू विनय कुमार बनवाल, राकेश रंजन, अशोक बनवाल, रंजीत बनवाल, अरुण बनवाल, सत्यदेव लाल, वीरेंद्र कुमार, अजय बनवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। सीसीएल कोलियरी में सीटीओ दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी से वार्ता कर और जल्द ही सीटीओ दिलाने और बंद माइंस को चालू कराने की मांग की गयी। गिरिडीह सीसीएल कोलियरी में सीटीओ दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर बीते 5 दिनों से सीटों के द्वारा जारी धरना के अंतिम दिन बगौदर के विधायक विनोद सिंह व निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी मौजूद रहे। इस दौरान विनोद सिंह व अरूप चटर्जी ने धरना दे रहे मजदूरों को संबोधित किया। इसके बाद सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी से वार्ता की और जल्दी सीटीओ दिलाने और बंद माइंस को चालू कराने की मांग की। इस बाबत विनोद सिंह ने बताया कि एक तरफ निजी कंपनियों के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा है, वहीं सरकारी परियोजना जिसमें हजारों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है, उन परियोजनाओं में त्रुटि लगाकर बार बार फाइल को इस टेबल से उस टेबल दौड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मांग की है और DFO कार्यालय में भी बात की है ताकि जल्द से जल्द CTO मिल सके और बंद पड़ी कोलियरी चालू हो सके ताकि इससे जुड़े हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा ना हो। अरूप चटर्जी ने कहा कि उन लोगों का प्रयास रहेगा कि इस वर्ष के अंतिम तक CTO मिल जाए। वहीं धरना दे रहे राजू यादव, मोहन दास, दिलीप कुमार ने कहा कि 31 अक्टूबर तक अगर CTO नहीं मिलता है तो 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। हजारों परिवारों के रोजी रोटी के सवाल पर सीटू अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। सरकार के भी राजस्व का जो है हम समझते हैं जो हानि हो रही है बंद करके और केंद्र सरकार की भी हानि हो रही है। जब कोयला की सबसे बड़ी कमी हम समझते हैं जो पिछले वर्षों से लगातार कमी दर्शाई जा रही है, जो NTPC से लेकर तमाम जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट है वहाँ लगातार कमी, जो कोयला की डिस्पैच जो कम हो रही है, हम समझते हैं जो ऐसी परिस्थिति में ऐसी परियोजनाओं को इतनी छोटी कारणों से बंद करके रखना भी एक गलत काम है। तो ऐसे चीज़ों को जो 2018 से ये बंद है इसी के कारण, और हम लोग तो हमारे क्षेत्र में भी BCCL और ECL कि कोई भी कोलियरी इस कारण से बंद होती है, हम लोग इमीडिएटली मैनेजमेंट प्लस जनप्रतिनिधि दोनों दौड़ के इसको इमीडिएटली करते हैं। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, सरकारी परियोजना है, इससे सभी को फायदे होंगे, तो हम लोग की जिम्मेवारी है हम लोग इमीडिएटली उसको। यहाँ किस वजह से नहीं हो पा रहा, क्या लाभ है कि एक ऐसे दौर में ऐसे समय में कर रहे हैं कि जहाँ तमाम सार्वजनिक संपदाएं निजी क्षेत्रों को तो दी जा रही है, उनके लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, उनके लिए तो पूरे सिंगल विंडो सिस्टम लागू है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति का एक सार्वजनिक क्षेत्र CCL के माध्यम से जहां उत्खनन हो रहा है वहां प्रक्रिया के नाम पर जो है वो महीनों से पूरा बंद है और अभी भी ये प्रक्रिया कभी इस कार्यालय कभी उस कार्यालय तक लंबित है और अभी भी यहाँ के DFO को रिपोर्ट देनी है। आज मजदूरों के इस धरना में अरूप चटर्जी के साथ मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, हम लोगों ने यहाँ PO से बात करके जानकारी ली है, अभी DFO ईस्ट से भी टेलीफोनिक बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि कुछ रिपोर्ट आते ही 10 से 15 दिनों के अंदर वो पुनः रिपोर्ट भेजेंगे और हम लोग खुद भी इस बात पे संजीदा होकर के
जो संबंधित वहाँ कार्यालय वहाँ से बात करके कि भाई जल्द ही इसको CTO जो है प्रमाण पत्र मिले, ताकि यहाँ दोनों ही कोलेरे में उत्खनन चालू हो और तमाम हजारों परिवार जो आश्रित हैं उनके लिए ये सहारा बने। अखिल भारतीय क्षेत्र महासभा का तीसरा राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा गिरिडीह सुभाष पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंचे। इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए यह तीसरी यात्रा है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का तीसरा राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा शुक्रवार को गिरिडीह सुभाष पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंचा, जहां जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने भव्य स्वागत किया। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा 9 अगस्त को ऐतिहासिक जगह जम्मू से निकाली गई। इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे पूरे देश में भ्रमण करते हुए अपनी मांग को रख रहे हैं, इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तनवर ने बताया कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए यह तीसरी यात्रा है। इसके पूर्व 2 यात्रा निकाली जा चुकी है, जिसमें 8 महीने से अंतर्गत 76,000 किलोमीटर का सफर तय किया जा चुका था, जिसके बाद केंद्रीय सरकार ने 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू किया था। हम मांग करते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए और जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जातियों के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना जरूरी है। उन्होंने दूसरी मांगों को लेकर सामाजिक संरचना बताया। मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर AP सिंह अयोध्या पीठ देवेश्वर जगत गुरु स्वामी बाल मुकुंद आचार्य जयपाल सिंह चौहान HN सिंह अनीता सिंह सूरत यात्रा में उपस्थित थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आज हमारे बीच में, आदरणीय ठाकुर बीनू सिंह जी जो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस संस्थान के अध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह जी साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट झारखंड के ठाकुर ललन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट आदरणीय AP सिंह साहब और सभी पदाधिकारीगण हमारे पास साथ बैठे हुए हैं जो रथ यात्रा में साथ चल रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 9 अगस्त को ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक जगह जम्मू से राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए ये तीसरी रथ यात्रा है। इससे पहले 2 रथ यात्राएं सन 2010 में और 2017 में, पहली रथ यात्रा 5 महीने की थी कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली, दूसरी रथ यात्रा 3 महीने की थी 2017 में कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली। उन 2 रथ यात्राओं में 8 महीने की 70,000 किलोमीटर का सफर हमने तय किया। उसके बाद 2017 की रथ यात्रा के बाद केंद्रीय सरकार ने 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए और देश के सभी जातियों को, चाहे वो आरक्षित जातियां हैं चाहे अनारक्षित जातियां हैं, सभी जातियों के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरी मांग है सामाजिक समरसता। जब तक देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं होगा, गरीब को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जातिगत आरक्षण समाप्त नहीं होगा, तब तक समाज में सामाजिक समरसता का भाव नहीं आ सकता। क्योंकि एक बच्चे को 90% वाले को दाखिला नहीं मिलता, 40% वाले को मिल जाता है, तो सामाजिक समरसता कैसे आएगी? जातिगत आरक्षण समाप्त होने से सामाजिक समरसता संभव है और हम चाहते हैं कि सभी जातियों में, वर्गों में, सभी धर्मों के लोग, सभी मजहब के लोग, पूरे देश के लोग इकट्ठे रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें, सहयोग से रहें। तो ये सभी जातियों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग। और तीसरे, महान पुरुषों के इतिहास के साथ जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, वीर कुंवर सिंह जी हैं, हमारे विक्रमादित्य जी हैं, राणा प्रताप जी हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, सम्राट जनक पाल हैं, सम्राट मीर भोज हैं, कुछ जाति विशेष के लोग उनको जाति विशेष के साथ जोड़कर उनकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, कुछ लोग उनके नाम पर स्कूल और कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। देखिए, इन महान पुरुषों को किसी जाति विशेष के साथ जोड़ना जो है, न केवल इन महान पुरुषों का अपमान है बल्कि पूरे राष्ट्र का और पूरे देश का अपमान है। इसलिए
हमारी मांग है देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, सभी जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण हो, जाति का आरक्षण समाप्त हो। धन्यवाद। मैं इस जगह पर बैठा हूँ कि आदरणीय परम श्रद्धेय श्री परमहंस जी महाराज आज वो नहीं है, लेकिन आज बुड्ढू बाबू समाज में जिस तरह से मिलकर के काम किए हैं और आपके पूज्य पिताजी के साथ में मैं रहा हूँ, उनके योजना थी कि पूरे हमारे झारखंड में सभी क्षत्रिय एक हों और यह संगठन मजबूत हो और सबके लिए सबका विकास सबका उत्थान सबके साथ प्रेम वो चाहते थे। हम यहाँ कई बार आए, बहुत वो सभी को आदर और सम्मान करते थे, कोई कहीं भी बुलाते थे पहुंच भी जाते थे, तन से मन से धन से बुजुर्ग होने के बावजूद भी वो चले जाते थे। बल्कि गुड्डू जी देखते रहे पिताजी अस्वस्थ हैं, लेकिन वो मानते नहीं थे। मैं तो उनके साथ में रहा हूँ, उनका स्नेह उनका प्रेम हम भूल नहीं रहे। आज उनकी प्रतिमा पर हमने माला अर्पण किया, मुझे याद आ गया उस दिन का जब मुझे वो हाथ पकड़ करके अपने हाथ से परोस करके खिलाते थे और संगठन को जो मजबूत किया। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, काफी पुराने लोग नहीं हैं, लेकिन मैं उनके साथ में रहा हूँ। आज मैं उनको, हम सभी लोग जितने भी यात्री आए हैं बाहर से, हम खैर तपोभूमि है मेरा, हम यहाँ पर कार्य क्षेत्र है, परम श्रद्धेय वीर कुमार सिंह जी महाराज की वीर कुमार सिंह जी। झालसा के निर्देशानुसार जिला व्यवहार न्यायालय की ओर से 3 तरह के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 105 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। झालसा के निर्देश अनुसार जिला व्यवहार न्यायालय की ओर से 3 तरह की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें चीफ लीगल एंड काउंसिल के लिए 1 पोस्ट, डिप्टी चीफ लीगल एंड काउंसिल के लिए 2 पोस्ट और असिस्टेंट लीगल एंड काउंसिल के लिए कुल 4 पोस्ट की नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर अभी तक कुल 105 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 21, 22 और 23 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में आवेदन दे चुके अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसकी जानकारी जिला विधिक सेवा पदाधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए 5 सितंबर तक तिथि निर्धारित कर दी गई थी, जिसके बाद व्यवहार न्यायालय की ओर से तिथि को बढ़ाकर 10 सितंबर तक किया गया था। इस बढ़ाई गई तिथि के दौरान कुल 31 आवेदन और प्राप्त किए गए। उन्होंने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देश अनुसार निश्चित तिथि के अनुसार व्यवहार न्यायालय परिसर में 2 शिफ्ट में साक्षात्कार लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले शिफ्ट में सुबह 8:30 से 10:30 तक और दूसरे शिफ्ट में 4:30 से जब तक उस दिन का कोटा पूरा नहीं हो जाता तब तक साक्षात्कार लिया जाएगा। इस दौरान दोपहर में न्यायालय की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि चीफ लीगल एंड काउंसिल के लिए 11, डिप्टी चीफ लीगल एंड काउंसिल के लिए 15 और असिस्टेंट लीगल एंड काउंसिल के लिए 79 आवेदन कुल प्राप्त हो चुके हैं। माननीय झालसा के निर्देशानुसार हमने आपसे पहले एक बार डिस्कस किया था कि LADCS के लिए बहाली प्रक्रिया चल रही है व्यवहार न्यायालय में, तो पहले जो डेट था उसको एक्सटेंड किया गया था, आखिरी तिथि थी 5 सितंबर, उसको बढ़ा करके 10 सितंबर किया गया था। तो जो तिथि बढ़ाई गई उस बीच में हमारे पास कुल 31 और आवेदन आए थे और टोटल हमारे पास जो 7 अलग अलग पद हैं, 1 चीफ का, 2 डेप्यूटी का और 4 असिस्टेंट का, उसके लिए कुल हमारे पास 105 आवेदन पत्र आए हैं इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए। और इन सारे जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका साक्षात्कार लिया जाएगा व्यवहार न्यायालय परिसर में, और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्क्रूटनी वगैरह सारा कुछ होने के बाद जो तिथि निर्धारित की गई है साक्षात्कार की वो है 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर। चूँकि 10:30 से 4:30 का समय हमारा न्यायालय का होता है, तो उसके पहले और बाद में हम 2 शिफ्ट में अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी आवेदक हैं उनका हम लोग साक्षात्कार लेंगे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देश पे। तो पहले दिन 21 सितंबर को हमारे यहाँ जो 4 पोस्ट हैं असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल का, उसका साक्षात्कार 2 शिफ्ट में लिया जाएगा, जो कि सुबह 8:30 से प्रारंभ होगा 10:30 तक, और दोपहर में न्यायालय का जो कार्रवाई हो जाएगा उसके बाद 4:30 से जब तक कि उस दिन के जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरा नहीं हो जाता तब तक चलेगा। सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट में हमारा होगा असिस्टेंट का, चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा है, सेकेंड शिफ्ट में हम डेप्यूटी चीफ का इंटरव्यू लेंगे, और तीसरे दिन और आखिरी दिन जो चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, जिसके लिए टोटल हमारे पास 11 आवेदन आए, उनका साक्षात्कार होगा। तो इसकी प्रक्रिया जारी कर दी गई है और आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि इसका आप अपने स्तर से भी प्रचार करें। जो भी आवेदक हैं इसमें कुछ लोग हैं जो अन्य जिलों से भी उन लोगों ने आवेदन दिया था, तो उनको भी इसकी जानकारी समय से मिलेगी। 3 पद जैसा कि मैंने बताया, एक पद है सिंगल पोस्ट है, वो है चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का, उसके लिए कुल हमारे पास 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
दूसरा है जिसके लिए दो पोस्ट है, डेप्यूटी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, उसके लिए हमारे पास 15 आवेदन आए हैं। और तीसरा है जिसमें 4 पोस्ट हैं, वो है आपका असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, उसके लिए हमारे पास टोटल 79 एप्लीकेशंस हैं। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।